फिर ध्यान कर कुछ और दिखा नहीं, वो जमीन और क्या बाड़ी कर रहा एक बाली थी शुभ मंदिर थी बाली ना पाची कौन रखे वो ले गयो रखी कहाँ रखी कुछ नहीं रखा डब्बी को खोल के देखा उसने ए पप्पा बेटा उन टाइम आया पाँच बैठ गए बड़े लेनी चाहे उपड़ गई है तो अभी पाँच लाख की पाँच ली आपका और पूरा क्या पूरी घटना हुई थी सर? मेरा नाम त्रिलोक चंद सोनी उर्फ रिंकू सोनी है। मेरी दुकान सर नेहरू नगर स्थित है, जगदम्बा माता मंदिर के पास में। मेरी दुकान का नाम है विश्वास ज्वेलर्स। इस दुकान पे मैं और मेरे पिताजी दोनों बैठते हैं और मैं दोपहर को लगभग 1:30 बजे घर पे खाना खाने के लिए गया। थोड़ा घर पे काम अधिक होने के कारण घर पे रुक गया मैं, और फिर पीछे दो ग्राहक आए, उन्होंने बोला भाई हमको एक चांदी का ताबीज लेना है। तो पापा यूँ उनको कुछ दिखाते भी नहीं है, पर वो तब भी पास में होने के कारण पापा ने बोला भाई मैं दिखा देता हूँ। वो ताबीज दिखाया और उन्होंने पापा को बातें बातें मतलब उलझा दिया, गुमराह कर दिया। और उन्होंने पीछे एक बंदा इस साइड बैठा था, उसने वो डब्बी यहाँ पे रखी थी जिसमें पुरानी नोज पिन है और दो सोने की अंगूठियाँ थी, वो भी पुरानी थी, और कुछ एक दो बालियाँ वगैरह यूँ करके लगभग 27-30 ग्राम सोने का आइटम था उस डब्बी के अंदर। स्टील की छोटी डब्बी थी इतनी, वो डब्बी यहाँ पे पड़ी थी इस जगह पे, और यहाँ से उठा के उसने अपने बैग में डाल दी। और पापा इधर उनको पता नहीं चला कि भाई ये यहाँ पीछे क्या हो गया। घटना कब की आपको कब पता चला? मेरे को ये घटना सर शाम को लगभग 8 बजे जब हम दुकान ऑफ कर रहे थे तब हमारे वापस थैले पैक कर रहे थे, तब हमको पता चला कि भाई एक डब्बी हमारी दुकान से गायब है। तो हमने सब चेक किया, इधर उधर देखा तो डब्बी नहीं मिली। तो हमने फिर वापस सीसीटीवी कैमरे में चेक किया, तो सीसीटीवी कैमरे में हमको मालूम चला कि दोपहर को 2:24 पे दो बंदे आए थे जो चांदी का मादरिया लेने आए थे ताबीज, वही बंदा उनमें से एक बंदा लेके गया। कितनी चोरी हुई, अनुमानित कितनी है? अनुमानित सर 1,30,000 के आसपास चोरी हुई है ये। अच्छा, तो आपने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी थी? हाँ, हम गए थे सीआई साहब के पास, गए थे राम प्रताप जी के पास, उन्होंने बोला हम आपकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर लेंगे ये। ठीक है।